पंच बॉक्सिंग हमने स्टार्ट की थी 2016 में, जहाँ पे हमने पहले इंडियन फाइटर्स के साथ हमने स्टार्ट करा था इसको। फिर धीरे धीरे हमने इसको देहरादून में करा, फिर हमने इसको गोवा में करा लास्ट नवंबर में, अब हम बॉम्बे आए हैं। तो हमारा प्लान है पूरे ऑल ओवर इंडिया इस पंच बॉक्सिंग को एक्सप्लोर करना। पंच बॉक्सिंग एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग सीरीज है, जो कि इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हो रहा है और काफ़ी नए फाइटर्स इंडिया में एमेच्योर फाइटर्स अभी चलते हैं। हम फाइटर्स को प्रोफेशनल टर्न कर रहे हैं, जिसकी कि अगर आप देखेंगे बॉक्सिंग इंडिया क्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट स्पोर्ट्स है, सबसे ज़्यादा जो एथलीट्स हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट एथलीट हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हम अपने इंडियन फाइटर्स को एक बार देना चाहते हैं, उनको ग्लैमराइज करना चाहते हैं स्पोर्ट्स को, और उसके लिए हम ये एफर्ट कर रहे हैं सारा। होपफुली बॉम्बे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमारी स्पॉन्सरशिप का, टेक्नो फिल्म्स ने हमें स्पॉन्सर करा है। हमारी सैंक्शनिंग बॉडी है इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल, जो रेफरी एंड जजेस हमारे होते हैं दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, तो वो ताकि बॉक्सर की सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंच बॉक्सिंग एक ऐसा एक ब्रांड है जो बॉक्सर्स के लिए और इस बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के लिए इंडिया के अंदर ग्रास रूट पे काम, और अभी तक लकीली हम इसको बहुत फेमस कर चुके हैं और काफ़ी लकी रहे हैं कि इसको और भी ज़्यादा फेमस करने का हमारा प्लान है, इसको इंटरनेशनल लेके जाना है। इंडियन फाइटर्स को जैसे आज हमने इंटरनेशनल फाइटर्स को इंडिया बुलाया, अब हम इंडियन फाइटर्स को इंटरनेशनल ले जाने का प्लान कर रहे हैं। तो आपका विजन क्या है, इसका विजन एक ही है कि हम इंडियन फाइटर्स को वर्ल्ड चैम्पियन बनाना उनको। अभी हमारे इंडियन फाइटर्स ओलंपियन हैं, ओलंपिक्स लेकर आए और एशियन मेडलिस्ट हैं, बट ये सब एमएचओ बॉक्सिंग है। अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी इंडियन फाइटर्स का एक अपना रुतबा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो उनको इंडिया में ऐसे शोज चाहिए जहाँ पे उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और उनका एक्सपीरियंस डेवलप हो जिसके साथ साथ। तो ये शोज जितने होते रहेंगे इंडिया में वही उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो हम धीरे धीरे उनको एक इस प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे कि वर्ल्ड चैंपियन बने। तो ये एक विजन है हमारा, बस इंडिया से हमारे वर्ल्ड चैंपियन इंडिया से हों। तो ये हमारा कोई सेलिब्रिटी ऐसा बॉक्सर है, मतलब जैसे पता है आपने ओलंपियन हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, सुशील हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पीड से रिलेटेड, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इन्हीं लोगों की वजह से ही नए बॉक्सर्स का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ है। विजेंद्र सिंह जब प्रोफेशनल टर्न हुए तो कई ऐसे यूथ बॉक्सर्स थे जो एमेच्योर से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ गए, तो ये लोग हैं जिन्होंने ये ड्रीम अपकमिंग बॉक्सर्स को दिया है। तो वी आर रियली थैंकफुल टू देम एंड वी आर वर्किंग हार्ड टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म, कि एक नज़रिया भी होता है कि बॉक्सर्स को जाना कहाँ है वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो वी आर डूइंग दैट जॉब कि बॉक्सर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ के वो परफॉर्म कर सकें, ये हमारा जॉब है। बाकी इनका तो काफ़ी बड़ा ही एक योगदान है बॉक्सिंग के लिए, विजेंद्र सिंह का, तो मैरी कॉम है, तो ऐसे काफ़ी बॉक्सर्स हैं जिन्होंने एक विजन इन बॉक्सर्स को दिया। वी आर जस्ट डेवलपिंग दैट विजन। थैंक यू सर। थैंक यू। हम तुम बस यहाँ हैं, गुमसुम क्यों जुबा है, ये दिल क्या करे, ओ ये दिल क्या करे। सर क्या कहते हैं, सर ने जो ये पंच बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट बताया है, मतलब इतना ज़्यादा जी है, और आप कितने पैशनेट हैं बॉक्सिंग के बारे में? और मैं सबसे पहले आरिफ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जो खेल के मैदान में, खेल के क्षेत्र में जो ये कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। तो क्या खास नज़र आया, मतलब आपने देखा मैचेस देखे, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या यूनिकनेस नज़र? अक्सर करके देखिए, देखा जाता है कि हम लोग अक्सर टीवी पे ही देखते हैं, आज लाइव देखा है, और ज़्यादातर हमने विदेश का देखा है, भारत का कम देखा है, और ये चीज़ें अगर भारत में हो रही हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मैं आरिफ साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पंच बॉक्सिंग का और टेक्नो अपना फिल्म्स के अलाइंस से हमने, आरिफ भाई ने सोचा था कि इसको हम एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं, और सारे बॉक्सर्स को, इंटरनेशनल बॉक्सर भी और ये भी, और हम चाहते हैं कि जैसे इंडिया में आईपीएल वगैरह ये गेम चल रहे हैं, हम इस लेवल पे इसको लेके जाएं और अच्छे से सारे बॉक्सर्स का। तो क्या प्रेरणा थी कि आपने सपोर्ट किया, कुछ ऐसी बात थी इस मतलब कॉन्सेप्ट में जो आपको प्रेरणा मांगी सपोर्ट में?
एक्चुअली मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ मैं जूडो का, तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और वो मेरे को शुरू से ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं, और मेरा भी एक मूवी आ रहा है मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर, पाकिस्तान की जो लड़की है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे अपना मूवी का प्रमोशन का और स्पोर्ट्स का मैं चाहता भी था कि भी ऐसे स्पोर्ट्स को भी मोटिवेट करूँ, तो दोनों ही पर्पज़ मेरे यहाँ पे निकल रहे थे, मैंने इसलिए उसको ज्वाइन किया। मूवी अभी कंप्लीट हो चुकी है और हम प्लान कर रहे हैं ईद पे हम इसको डिसाइड करेंगे कि जुलाई एंड या अगस्त में हम इसको रिलीज़ करें, और वर्ल्ड वाइड ये मूवी हम रिलीज़ करने जा रहे हैं, अराउंड 40 कंट्रीज़ में हम इसको रिलीज़ करेंगे। मलाला का एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मलाला को लेकर एक वो आइकॉन है, एजुकेशन के लिए उसने इतना स्ट्रगल किया है अगेंस्ट यू नो टेररिज्म के अगेंस्ट उसने इतनी लड़ाई की है, तो पब्लिक को दुनिया को पता चलना चाहिए मलाला जैसी लड़कियाँ हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत हैं, घर घर में मलाला हैं, तो उनकी स्टोरी को देख के उनको भी मतलब लगे कि हाँ भाई एक बच्ची इतनी छोटी उम्र की एक बच्ची इतना स्ट्रगल करके इतना वहाँ पहुँच सकती है तो हम क्यों नहीं, तो इसलिए एजुकेशन बेस्ड मूवी थी, इसलिए अदरवाइज मलाला को लेकर ही क्यों, अभी कोई और टॉपिक मिलेंगे अपने को आगे जैसे भी लगेगा कोई बनाना होगा मेरे को तो वो भी बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स की कहीं भी इवेंट होंगे तो टेक्नो फिल्म हमेशा तैयार रहेगा और हमेशा हम स्पोर्ट्स के प्रमोट करते रहेंगे। थैंक यू। ये पंच और कितना इंकरेजिंग है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं और देखिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आरतिया को और संजय सांकला जी को जो जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। देखिए बहुत सारे स्पोर्ट्स आज भी इंडिया में हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है क्योंकि स्पॉन्सर कोई आगे नहीं आ रहा है। आज IPL जैसा टीम, IPL जैसा गेम सब जगह छाया हुआ है, करोड़ों अरबों की बात हो रही है, लेकिन क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो अछूते हैं जिनको आज इंडिया में प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और संजय सांकला जी के जो टेक्नो फिल्म्स ने जो काम किया है कि एक प्लेटफॉर्म देने की जो बात कही है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उनको और आसमिया को जिन्होंने इस स्पोर्ट्स को जो कि अभी बेसहारा कहलाया जा रहा है, देखिए वर्ल्ड में थर्ड लेवल पे आता है बॉक्सिंग, थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है बॉक्सिंग, लेकिन इंडिया में इसकी पहचान नहीं है। वजह क्या है? प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ के खिलाड़ियों को खाने के लिए नहीं है, यहाँ के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं है, उनके पहनावे के लिए जगह नहीं है। आज आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर चल रहा है ये स्पोर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया, इसमें भी पैसे खर्चे होते हैं। अगर संजय सांकला नहीं आए, इनके जैसे लोग अगर इस प्लेटफॉर्म को नहीं प्रोवाइड करें तो यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन जाएंगे कहाँ? तो मैं बधाई देना चाहूँगा दोनों ही लोगों को और मुबारकबाद दूंगा इसके लिए, और मैं अपेक्षा करूँगा, आशा करूँगा कि आगे भी इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते रहे संजय जी, मेरे तहे दिल से मुबारकबाद इन दोनों के। तो ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि क्रिकेट बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करना चाहिए? मैंने अभी कहा आपसे कि हर चीज़ को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए बीवी भी तब तक घर में रहती है जब हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, सिंपल सी बात। अगर किसी स्पोर्ट को आगे बढ़ाना है तो एक प्लेटफॉर्म देना है, प्लेटफॉर्म देने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। पैसा कौन देता है? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर अगर रुचि दिखाएगा तो वो स्पोर्ट्स आगे जा सकता है, वो गेम आगे जा सकता है, क्योंकि पैसे से ही वो खिलाड़ी उनके खाने पीने का, रहने का, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस का खर्चा निकलता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ इन तमाम लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है स्पोर्ट्स के लिए।